हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनिमेश ऑन ट्रेल। मैं हूँ अनिमेश। मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको मंडोर का पुराना किला दिखाया था। मेरे पीछे है मंडोर का पुराना किला और किले का बहुत छोटा सा एक हिस्सा अभी भी संरक्षित है या फिर जो बचा हुआ है, और वो जो हिस्सा है वो वही हिस्सा है जिसको अभी बदल दिया गया है मंडोर म्यूज़ियम में। यहाँ पर आर्ट गैलरी भी है और जितने भी मंडोर किले के अवशेष बचे हुए हैं, बेशकीमती अवशेष, वो यहाँ पर रखे हुए हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो। तो मैं हूँ भी इन द प्रमाइसेस ऑफ द मंडोर म्यूज़ियम, और म्यूज़ियम में जैसे ही आप अंदर आते हो आपको एक बहुत ही सुंदर सी एक वाटर बॉडी आपको मिलती है। इस वाटर बॉडी को बोलते हैं नागगंगा। यहाँ पर अंदर से ही स्रोत है। वहाँ पे पुराने ज़माने में इसको एज ए वाटर रिजर्वायर यूज़ किया जाता था। यह महल का ही हिस्सा है तो यहाँ पर पीने का पानी स्टोर किया जाता था। तो मैं अभी हूँ इन द मेन प्रमाइसेस ऑफ मंडोर म्यूज़ियम। जितने भी मंडोर के राजाओं के बेशकीमती यहाँ पे जो सामग्रियाँ थी जो यूज़ करते थे, वो सारी चीज़ों की प्रदर्शनी यहाँ पे अंदर में लगाई गई है। लेट्स गो इनसाइड। मेरे एक तरफ यहाँ पर मंडोर म्यूज़ियम है और ठीक दूसरी तरफ यहाँ पर भैरवनाथ का मंदिर भी है। ये मंदिर का नाम है काला गोरा भैरव मंदिर। सो अगर आप यहाँ पर आते हो म्यूज़ियम में तो भगवान के दर्शन करके ही जाओ। सो मैं अभी हूँ ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द मंडोर म्यूज़ियम। ये एक्चुअली किले का ही एक हिस्सा था। पीछे में अगर आप देखोगे मंडोर का जो किला है उसका अवशेष है, और ये ओनली पार्ट है पूरे मंडोर किले का जो कि बचा हुआ है, और इसी को पूरी तरह से बदल दिया गया है एज ए म्यूज़ियम। अंदर में यहाँ पे देखो अब सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत कुछ है देखने के लिए। बहुत ही सुंदर म्यूज़ियम बनाया गया है। जो भी अवशेष है, वेरी गुड एफर्ट टू प्रिजर्व द हिस्ट्री। ऐसी जगह मैं घूमता रहूँगा, आपको भी घुमाता रहूँगा। अगर वीडियोस पसंद है सब्सक्राइब टू द चैनल, अगर घूमना पसंद है डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल नेक्स्ट वीडियो यही कहूँगा, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग। चीयर्स।